वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो होने वाला है हमारा एक बस जर्नी का, और ये बस जर्नी है सराहन ज्यूरी से मंडी तक की। इसमें हम जाएंगे HRTC और प्राइवेट बस में, मिला जुला सफ़र है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको आज HRTC के हसीन राइड का एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरी बस है जिसमें मेरे को जाना है, ये अभी ज्यूरी पहुंच गई है रिकोंगपियो टू मंडी। सो अभी मेरे को इस पे यहाँ से बोर्ड करना है, सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे हैं, और पहुँचूँ, ये बस पहुँच रही है मंडी में शाम को लगभग 7 बजे। तो 12 घंटे की लंबी जर्नी है, बहुत ही मैसी जर्नी है। सो लेट्स सी, टिकट मैंने बाई कर लिया है और सीट भी आगे ड्राइवर के जस्ट सर्जेशन साइड में। और बस के थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दूं तो ये एक 32 सीटर बस है, स्मॉल बस, क्योंकि पहाड़ों के रोड जो होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं, तो यहाँ बड़ी बड़ी बसेस को चलाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सुंदरनगर डिपो की टाटा 32 सीटर बस, ये हमारे चालक बहुत ही मुस्तैदी से बस को चलाते हुए, और रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं है, काफ़ी खड्डे हैं, तो थड़ा थड़ हो रही है, और बस की हालत भी कुछ उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कुछ खटारा टाइप बस है, काफ़ी पुरानी बस है, लेकिन अब जो भी है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसी में जाना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, जो कि ओरिजिनली मैंने शूट किया था, उसके बाद भी आप इस बस का हैवी नॉइस सुन पा रहे होंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं 1 घंटे की जर्नी के बाद रामपुर बस स्टैंड, रामपुर जो कि शिमला की एक तहसील है और एक फेमस टाउन भी है, रामपुर बुशहर, इसको राजा की नगरी भी कहा जाता है।
रामपुर सिटी को निकलने के बाद उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करती हुई ये बस धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ती हुई। इस बस का जो इंटीरियर है वो आंखों को सुकून देने वाला है। ड्राइवर भी बहुत अच्छा है और भाई इस बस में म्यूजिक फैसिलिटी भी है, और तो और गवर्नमेंट बसेस में ये नहीं मिलती अमूमन देखने को। लेकिन ड्राइवर का पर्सनल इंटरेस्ट है, बंदे ने खुद के पैसे से इतना सब इंटीरियर को सजा रखा है। और चलो खैर, 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचने वाले हैं लोरी, और अभी लोरी में अभी क्या लंच कम ब्रेकफास्ट जो भी होगा यही होगा, सो ड्राइवर ने मेरे को पहले ही बता दिया है। सो इसके बाद ये बस कहीं भी नहीं रुकेगी। आप भी अगर इस खासकर रामपुर कुल्लू भैया जलोड़ी होते हुए रोड से जा रहे हैं तो भाई लोड़ी में ही खा पी लेना, क्योंकि बीच रास्ते में ये भाई कहीं भी बस को नहीं रोकने वाला है। टू मच अग्रेसिव ड्राइवर ब्रो। लोहरी में लंच करने के बाद लगभग 11:30 बजे ये बस यहाँ से डिपार्ट होती हुई आने की ओर। आनी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता जो है थोड़ा सा नैरो है आगे, तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहाड़ों की बात हम करें सफ़र की, तो यहाँ किलोमीटर्स मैटर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि 50 किलोमीटर में भी 5-5 घंटे लग जाते हैं। सो आज का मेरा सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो लगभग जाना है 130-140 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये जर्नी होने वाली है 8 घंटे की। अगर आप कहीं दिल्ली या प्लेन साइड के अदर पार्ट ऑफ इंडिया कहीं की आप प्लेन साइड के सोच रहे होंगे, भाई 140 किलोमीटर तो हम 2 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं पे भाई। अब आपको वीडियो को देखते रहिए, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, जब आप वीडियो के अंत तक देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे भाई सही बोल रहा था कि 140 किलोमीटर के जो 8 घंटे हैं जस्टिफाई करते हैं। रोड कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं, आप चाह के भी गाड़ी को नहीं भगा सकते, और रोड भी अच्छा है, सब कुछ क्लियर है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत दिक्कत आती है। मतलब जैसे कि हिली टेरन, शार्प टर्न्स, कर्ब्स। जैसे जैसे पहाड़ों की एलिवेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गाड़ी का स्पीड और कम होता जा रहा है, नए रोड्स होते जा रहे हैं, इवन गाड़ी को पास लेने के लिए भी काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के शुरुआत में कि 7-8 घंटे लगने वाले हैं, तो यही सब रीज़न रहते हैं पहाड़ों में। अभी देखो आगे से कार आ रही है, तब भी इसको ओवरटेक के लिए बस वाले को 2 या 3 मिनट खड़ा हो के भाई रोक के उसको पास देना पड़ रहा है। सो ये सब दिक्कतें आती हैं जब आप हिली टैरन की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे लगभग 10-15 की स्पीड से ये आनी की तरफ गाड़ी हमारी बढ़ती हुई, और जो पहाड़ों की ग्रीनरी है वो भी नीचे के अलावा ऊपर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी बरसात की शुरुआत ही हुई है तो नदियों में पानी अभी कम है, लेकिन जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं ये साल के लगभग 3 या 4 महीने के लिए ही खुलता है जलोड़ी पास, और उसके बाद ये बर्फ़ पड़ने के कारण बंद हो जाता है। सो आई एम द लक्की वन जिसको ये मौका मिल रहा है इस रूट को एक्सप्लोर करने का, नहीं तो मोस्टली लगभग 6 या 7 महीने जो है ये रोड जो है बर्फ़ से ढका रहता है और जिसमें कोई भी ट्रैफिक कनेक्टिविटी नहीं होती है। इन तंग रास्तों पे ड्राइविंग करना बहुत ही रिस्क भरा काम होता है, लेकिन हमारे जो ड्राइवर दोस्त हैं बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से गाड़ी को ड्राइव करते हुए, और अभी अब जो ऊपर से बस आ रही थी उससे रोड के बारे में जायज़ा इन्होंने लिया, और हम लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं आनी की मार्केट में। आनी में क्विक होल्ट लेने वाले हैं, अभी आनी बस अड्डा नहीं आया है। आनी की मार्केट आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये आनी की मार्केट इस तरह से है, छोटी सी मार्केट है। ये भी कुल्लू सब डिवीज़न है, आनी एक तहसील है कुल्लू की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेब और ये खुमानी वगैरह फ्रूट्स होते हैं। टूरिज़्म के इससे अभी ये अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ भी एक अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने
आपको मिलेगा। सो हम पहुंच गए हैं आनी बस स्टॉप पे और यहाँ पे मतलब बहुत सारी सवारियाँ, मुझे तो लग रहा कम से कम 40-50 आदमी वेट कर रहे थे इस बस का, क्योंकि जिस रूट से ये बस जा रही है यहाँ पे बहुत ही कम बस सर्विसेज हैं, तो वह 3 या 4 ही बसेज हैं पूरे दिन में, तो उनमें से ये एक है। देखो किस तरह से लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, शायद ये आखिरी बस है इस तो जलोड़ी पास की तरफ जाने वाली जो है। सो काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ उतरेंगे और ये जितनी सारी भीड़ आप देख रहे हैं ये सभी इसमें चढ़ेंगे। मुझे तो लग नहीं रहा है 32-सीटर बस में कैसे, देखो भाई खचाखच पूरे भर गए हैं, पूरी स्टैंडिंग पोजीशन में है, बैठने वाली सीट का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन सब लोग खड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी दाद देनी होगी इस ड्राइवर की, इतनी ओवरलोडेड बस को इतनी समझदारी से इस रूट पर चलाते हैं। ये भी सल्यूट है, इन रियल वॉरियर्स हैं ये भी, लाइफलाइन ऑफ हिमाचल, इंटीरियर हिमाचल। यहाँ आपको कोई टैक्सी सर्विस नहीं मिलेगी, कोई प्राइवेट बस नहीं मिलेगी, ओनली दिस गवर्नमेंट बस इज़ ओनली वन ऑप्शन। एक वैली में धीरे धीरे बस जो है ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है, इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं, अगर जब आप कुल्लू की तरफ जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में रिवर है और राइट साइड में पहाड़ी है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हर कुछ ही नज़ारा है। वैसे तो सफ़र रोमांच भरा लगी लेवल पे मज़ा दे रहा है। मैं चाहूँगा आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इस रोड को ज़रूर एक्सप्लोर करें। हाँ, एक अगर आप प्लेन्स एरिया से ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं तो एक मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको नीचे से कोई गाड़ी आती दिखे तो आप उसको रिस्पेक्ट दें और अपनी गाड़ी साइड में पहले ही जहाँ पे आपको सेफ डिस्टेंस लग रहा है वहाँ पे रोक ले, क्योंकि भरी हुई गाड़ी को एक स्टीप ग्रेडियंट पे खड़ा करके दोबारा उसको अपहिल की तरफ डायरेक्शन देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो काफ़ी रिस्क भी रहता है, क्योंकि पैसेंजर से भरी बस को अगर जैसे अगर पिकअप ले पाई तो वो खाई में लुढ़क सकती है। तो जब भी कभी आपको नीचे से कोई गाड़ी आती है दिखाई दे, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, उसको रिस्पेक्ट दें और अपनी गाड़ी को पहले ही आप साइड में कर दें। तो बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं ब्रेक लेने में, इसी में आपकी समझदारी है और आपका फ़ायदा भी है, आपकी खुद की भी जान सुरक्षित रहेगी और आप दूसरों को भी एक अच्छा एग्जांपल पेश करेंगे। धीरे धीरे गाड़ी जो है वो चलती हुई है, अब हम पहुंचने जा रहे हैं जलोड़ी पास, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जलोड़ी पास से। तब तक के हसीन वादियों के नज़ारे आप देखिए इसमें। यहाँ पे जो है एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा है और जिस वजह से गाड़ी लगभग 10 की स्पीड से चल रही है, ऑलमोस्ट पहले गियर में, दूसरा गियर भी नहीं लग पा रहा। पीछे देख लो कितनी बस खचाखच भरी हुई है, ये ओनली एकमात्र बस है, अभी लास्ट बस है जो अभी उस तरफ को जाने वाली है, और ये इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सवारियाँ हैं, ओवर क्राउडेड है। 32-सीटर बस में लगभग 50 आदमी होंगे लगभग। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप तो सब दोस्तों को कि जब भी ये रूट ओपन होता है तो आप यहाँ पे इस बस की राइड का मज़ा ज़रूर लें, क्योंकि ये लगभग 3-4 महीने बंद रहता है, उसके बाद ये खुल जाता है। इस पे कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, अभी टूरिस्ट उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एरिया है अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे अभी आगे आएगा GB वगैरह में, लेकिन ये जलोड़ी पास पे बहुत ही कम लोग आते हैं इधर। ये है असली ब्यूटी हिमाचल की, और अभी ये जस्ट अभी हमारी गाड़ी पहुंची है जलोड़ी पास, ये लिखा हुआ है जलोड़ी पास और सामने ऊपर मंदिर है। हम ये देख सकते हैं अभी जून जुलाई के महीने में भी यहाँ पे बर्फ़ ग्लेशियर अभी भी जमे हुए हैं, इतनी जो प्लेन में इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे आपको बर्फ़ सारा साल देखने को मिलेगी। हम चढ़ाई हमने चढ़ चुके हैं, अब हमने जाना है नीचे सीधा डाउन नाले की तरफ, इस नाले के साथ साथ नीचे जाएंगे हम बंजार की तरफ। तो जो ड्राइवर की ड्राइविंग को देख के ऐसा लग रहा है कि जितना मुश्किल गाड़ी को चढ़ाना था उससे ज़्यादा मुश्किल गाड़ी को डाउन हिल में उतारना है, क्योंकि
यहाँ जिस गियर में गाड़ी चल रही थी उसी गियर में गाड़ी को उतारना भी पड़ता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में सूझबूझ से जो हमारे उस्ताद हैं बड़ी समझदारी से गाड़ी को बिना कोई रिस्क लिए नीचे ले जाते हैं, बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं। बस ये जो आप साइड में नीचे नाला देख रहे हैं, इसी नाले के साथ साथ हम नीचे जाके बंजार में पहुंच जाएंगे। बंजार में लगभग 10 से 15 मिनट होल्ड करने के बाद जो है हमारी बस पुनः आगे कुल्लू की तरफ रवाना हुई। अब जितना डिफ़िकल्टी ऊपर थी अब डिफ़िकल्टी लेवल उतना नहीं बचा है। अब जो ड्राइवर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेके जा रहा है, लेकिन हाँ जैसे ही बंजार में गाड़ी रुकी थी तो टायरों से ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे कुछ जला हो। वो गाड़ी के जो लेदर्स थे उनके ओवर हीट होने के कारण वैसी जलने की स्मेल जैसी आ रही थी। तो लगभग 8 घंटे की चलने के बाद और मेरा स्टेशन आने ही वाला है, सो मैं इस बस को भी टाटा बाय बाय कर दूंगा। सो और टनल पे यहीं उतर गया और यहाँ से अब मैं ये पकड़ूंगा ये प्राइवेट वाली बस जो है कनिका से जाना है मेरे को अब मंडी की तरफ। सो मंडी जा रहा हूँ इस बस से। इसमें मेरे को यहाँ से 60 रुपीज़ लगा यहाँ से किराया ऑट से। वीडियो यहीं पे दोस्तों एंड होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे डालता रहूँगा, तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर हिट करें। एंड थैंक्स टाटा बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।